है जहां हरदोई जनपद के माननी काशीराम कॉलोनी में बनी 1500 कॉलोनियों में करीब 900 कॉलोनी ऐसी हैं जिसमें बिजली विभाग की मिलीभगत से हर महीने करीब 1,00,000 से ऊपर का चूना इन कॉलोनी में ना तो मीटर लगा हुआ और ना ही कनेक्शन, सीधे खंबे से डायरेक्ट बिजली तार जोड़ा गया है। आज जब बिजली के कर्मचारी जिनके मीटर लगे हैं उनका बकाया चेक कर रहे थे, जिनका बिल जमा हो चुका है उनका कनेक्शन छोड़कर जिनका बिल नहीं जमा है और हजारों में बकाया उन उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट कर बिजली विभाग बिजली का तार काट कर साथ में ले गए। जाँच करते समय जब मीडिया पहुंची तो बिजली विभाग का खेल सामने आया। करीब 900 कॉलोनी ऐसी हैं जिसमें लाइट तो काफी समय से जल रही है मगर ना तो मीटर लगा हुआ है और ना ही कोई सरकारी कनेक्शन है, लेकिन बिजली का इस्तेमाल की जा रही है। इस बिजली चोरी में करीब हर महीने लाखों का खेल होता है। मीडिया के कैमरे में ऐसे कई कनेक्शन कैद किए जिन कॉलोनी में मीटर नहीं लगे और सीधे कटिया के सहारे फ्रिज, टीवी, हीटर, ऑटो रिक्शा चार्ज हो रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो बिजली कनेक्शन होने के बाद बिजली इस्तेमाल कर रहा था, उसका दर्द छलक पड़ा और मीडिया को बताया यहाँ पर 200 रुपए लेकर बिजली लाइट दे दी जाती है और हम लोगों का 500 रुपए बिल आता है, लेकिन जब नाम पूछना चाहा तो उसने मीडिया को नाम नहीं बताया। अब जो लोग फर्जी तार जोड़कर लाइट दे रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्या ये प्रशासन पता लगा पाएगा, उन पर कार्रवाई होगी या ठंडे बस्ते में ही जांच चली जाएगी? 200 रुपए लिए जा रहे हैं और कटिया जोड़ दी जा रही है। कौन ले रहा 200 रुपए? ये नहीं, नाम नहीं आपको, हमको जानकारी है, मैं 200 रुपए लेकर कटिया जोड़ दे रही है, उसका बिल चालू है, उसका उसकी कटिया नहीं काटी जा रही है और बाकी लोगों की कटिया काट दी जा रही है।